असलम व्यूवर्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चॉकलेट कस्टर्ड ड्राई फ्रूल की रेसिपी जिसे आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं आप इसे किसी भी इवेंट पे बर्थडे पे या जिस तरह से भी घर में अगर आपके मेहमान आ जाते हैं तो आप इजीली इसे बना सकते हैं इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें पास बासी बेलाइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे यहाँ पे लिया है मैंने एक बर्तन इसमें मैंने हाफ के जी के बराबर जो है वो दूध ऐड कर दिया है और दूध को जो तो है हम लोग बॉइल होने तक पकाएंगे और यहाँ पे ये यह देखें दूध जो है बॉयल होने पे आ चुका है यहाँ पे इसे पाँच मिनट हो गए हैं मैंने इसे चूल्हे पे चढ़ाया हुआ है और यहाँ पे एक अलग बर्तन में मैंने दो से तीन चम्मच जो है वो दूध ऐड किया है इसमें मैं ऐड करूँगी कस्टर्ड पाउडर यहाँ पर मेरे पास बनाना फ्लेवर था आपके पास जो भी फ्लेवर अवेलेबल है आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं इसमें ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी याद रहे यहाँ पे आपने दूध जो है वो गर्म नहीं लेना है ठंडा दूध लेना है उसमें ये पाउडर जो है कस्टर्ड पाउडर वो आपने मिक्स करना है ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको दूध में कस्टर्ड पाउडर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है फिर तो मैंने टू टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर इसमें ऐड किया था यहाँ पे दूध को जो है वो बॉइल आना स्टार्ट हो गया है अब हम इसमें साथ ही चीनी ऐड करेंगे यहाँ पे चीनी मैंने हाफ़ कप के बराबर ऐड की है आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं ये देखिए यहाँ पे चीनी जो है वो मिक्स हो चुकी है और साथ ही मैं वो मिल्क ऐड कर रही हूँ जिसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर ऐड किया था इसको आपने साथ साथ हिलाते जाना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं बन जाएँ देखिए मैं इसको साथ साथ ही हिला रही हूँ पाँच से छः मिनट में इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा ये देखें यहाँ पे ये थिक होना स्टार्ट हो गया है ये देखें इसी तरह से बस हमने इसे दो से तीन मिनट और पकाएंगे उसके बाद हम इसकी फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे जी यहाँ पर ये देखें यहाँ पे मेरे पास वेलफेयर बिस्किट हैं आप चाहें तो जो भी आपके पास बिस्किट अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं आप लोग केक भी यूज़ कर सकते हैं इसको बनाना बहुत ही इजी है आपके पास जो भी घर में चीज़ें अवेलेबल हैं आप वो ले सकते हैं यहाँ पे लिए हैं मैंने दो गिलास गिलास लेने के बाद उसके जो बिस्किट हैं जिनको मैंने क्रश किया हुआ था जिनको मैंने बहुत बारीक बारीक पीस लिया था वो मैंने ग्लासेस में ऐड कर दिया है ये देखिए यहाँ पे मैं इसको स्पून की मदद से नीचे इसको अच्छे तरीके से बिठा रही हूँ उसके बाद मैंने इसमें कस्टर्ड ऐड किया है यहाँ पे मेरे पास स्वीट कैंडीज़ हैं जिन्हें मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है उसके बाद मैं इसमें वो ऐड कर रही हूँ इसका बहुत क्रंची क्रंची सा टेस्ट आता है तो ये बहुत ही मज़ेदार लगती हैं आप चाहें तो इसकी जगह पर चॉकलेट चिप्स या कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं देखिए यहाँ पर ये चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर ली हैं ये देखें पहले हमने बिस्किट की एक लेयर बनाई उसके ऊपर मैंने कस्टर्ड ऐड किया उसके बाद हमने इसमें स्वीट कैंडीज ऐड की हैं अब मैं इसमें एक लेयर लगा रही हूँ क्रीम की यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है उसकी एक लेयर लगा रही हूँ देखिए यहाँ पे जो क्रीम है उसकी एक एक लेयर लग चुकी है इसके बाद मेरे पास हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ये हैं जिन्हें मैंने पीस लिया है ज़्यादा बारीक नहीं पिसा है उसके बाद मैं एक लेयर जो है वो ड्राई फ्रूट्स की लगाऊंगी इसमें ठीक है इसी तरह से मैंने इसको साइडों से भी कवर कर लिया है और उसके बाद मैं फिर से इसके ऊपर कस्टर्ड जो है वो ऐड करूँगी देखिए कस्टर्ड की एक एक लेयर लगाएंगे हम यहाँ पे कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी क्रश की हुई चॉकलेट ये थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे हम इसे ये देखें और उसके बाद फिर से हम व्हिपिंग क्रीम की जो आ, लेयर है वो एक बार फिर से इसके ऊपर लगाएंगे चॉकलेट के ऊपर देखिए यहाँ पे मैंने विपिंग क्रीम की एक और लेयर इसके ऊपर लगा दी है और मैं ड्राई फ्रूट मज़ीद इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ और इसके बाद मैं इस पर ऐड करूँगी चॉकलेट यहाँ पे मेरे पास क्रश की हुई चॉकलेट है जिसे मैं साइडों पे कवर कर रही हूँ देखें दोनों ग्लासेस के साइडों पे मैंने इसे कवर कर दिया है चॉकलेट के साथ ये यह देखेंगे यहाँ पे जो है हमारा चॉकलेट कस्टर्ड ट्रायफल जो है वो बनके रेडी हो चुका है आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी रेसिपीज़ तो अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा